लगातार दूसरे दिन भी रसद विभाग की कार्रवाई रही जारी। सतगुरु ट्रेडर्स पर की कार्रवाई, रेट लिस्ट देकर किया बाबा, पेड़ से ज्यादा राशि वसूलने पर की जाएगी कार्रवाई। जहां एक तरफ कोरोना वायरस का कोहराम मचा है, उसी बीच दुकानदारों ने कालाबाजारी करना शुरू कर दिया है। ऐसी संकट की स्थिति के बीच सभी दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं और महंगे दामों में सामान बेच रहे हैं। इसको लेकर लगातार रसद विभाग को शिकायत मिल रही थी, जिस पर रसद विभाग अधिकारी अंकित पचार के निर्देशन में अलग अलग टीमों का गठन किया गया और अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया। कल भी चंद्रवर्दे क्षेत्र स्थित एक दुकान पर कार्रवाई की गई। वहीं आज सदगुरु ट्रेडर्स नामक किराना की दुकान पर कार्रवाई की गई और उन्हें रेट लिस्ट देकर पाबंद किया गया कि अगर उन्होंने फिर से ज्यादा राशि वसूली तो उनकी दुकान को सीज किया जा सकता है। जी सर, किस तरीके की कार्रवाई करी है आज और कहां कहां करी है? यहां पड़ाव में उपभोक्ताओं की शिकायत मिली थी कि कुछ दुकानदार होलसेलर जो है, जैसे इनका भी सदगुरु का नाम था, रमेश ट्रेडर्स का नाम था, कि कुछ आटे के भाव ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे अभी भी ये बता रहे हैं 350-400 के आसपास तक कन्नाडा आटा बेच रहे थे। तो कल भी आए थे, कल दुकान बंद थी, लेकिन अभी आके इनको पाबंद किया गया है और अगली बार शिकायत पाएगी तो सीज भी किया जाएगा, सील भी की जाएगी दुकान। कोई सूची जारी करी है आपने रेट लिस्ट की? हाँ, रेट लिस्ट की सूची गवर्नमेंट ने जारी करी है ना, जिसमें आटा 30 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बेच सकते। आटा 30 है, चावल 30 रुपये किलो है, दाल 65 रुपये किलो है। इस प्रकार सर लगातार आप देखा जा रहा है कि वायरस का खौफ बढ़ रहा है और आपने वार्डों में तो लिस्ट जारी करी, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ग्रामीणों को किस तरह की परेशानी? लिस्ट पूरे जिले के लिए एक ही है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर SDM को कितना पावर दे रखी है और SDM के निर्देशन के अंदर वहाँ पे पूरा किया जा रहा है। फूड भी नहीं पहुँच पा रहा है? नहीं, फूड की सप्लाई पूरी हो रही है ना, जहाँ जहाँ से अगर आ रही है तो वहाँ सप्लाई की जा रही है। ठीक है।